गुड मॉर्निंग गाइज। पिछले लेक्चर में हम लोग कास्टिंग प्रोसेस स्टार्ट किए थे और डिफरेंट टाइप्स को अलाउंसेज और पैटर्न मटेरियल देखे थे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। इसमें जो पैटर्न होता है इसमें कोई एक्सट्रूशन बाहर नहीं लगा होता है, बस ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल शेप, नो सब पार्ट्स और जॉइंट्स, वन पैटर्न, सरफेस इज फ्लैट, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप लोग। सिंपलेस्ट टाइप, एग्जांपल गियर ब्लैंक, स्क्वायर ब्लॉक। गियर ब्लैंक का भी जैसे हम लोग पैटर्न रहता है तो एक गियर का रिप्लिका होता है बस। सेकेंड हम लोग देखेंगे स्प्लिट पीस पैटर्न। स्प्लिट पीस पैटर्न हम लोग वैसे प्रोडक्ट के लिए, वैसे कास्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं जो अप या डाउन दोनों साइड सिमेट्रिकल होता है या मोर कॉम्प्लेक्स होता है। पैटर्न स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ पीसेज अलोंग पार्टिंग लाइन। देखिए ये पैटर्न है और ये पार्टिंग लाइन के अलोंग दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। कॉमनली मेथड फॉर इंट्रिकेट कास्टिंग। इसमें एक पार्ट का नाम देख लेते हैं, ये कोप है, ये ड्रैग है और दोनों के बीच पार्टिंग लाइन है, और ये सब दोनों को हम एक साथ जब ज्वाइन करके बंद करते हैं तो एनलाइनमेंट ये लोग का गड़बड़ाए नहीं, इसलिए हम लोग इसको डबल पिन से लॉक कर देते हैं। और गाइज पार्टिंग पैटर्न मटेरियल में हम लोग का ये बताना छूट गया था, तो वुडन पैटर्न का हम लोग यूज करते हैं जहाँ लार्ज साइज और लेस नंबर इन कास्टिंग प्रोड्यूस करना है। मेटेलिक को यूज करते हैं जहाँ स्मॉल साइज और लार्ज प्रोडक्शन करना होता है, और वैक्स और प्लास्टिक को यूज करते हैं जहाँ कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग को प्रोड्यूस करना होता है। थर्ड टाइप ऑफ पैटर्न है लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न में होता है कि जैसे इस तरह का कॉम्प्लेक्स शेप है, तो इस तरह का शेप हम लोग मान लीजिए मोल्ड बॉक्स में निकालेंगे तो इस तरह ये एंगल दोनों बना हुआ है, और जब इसको बाहर निकालते समय हम लोग को कठिनाई होगा, प्रॉब्लम होगा इस तरह शेप रहेगा, तो इसलिए एक पास एक पीस ये अलग, एक पीस ये अलग, एक पीस ये अलग, इस तरह का पैटर्न बनाते हैं और तीनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। इसमें प्रोजेक्शन अगर निकला हुआ है तो निकलेगा नहीं, इसलिए इसमें प्रोजेक्शन और अंडर कट जहाँ रहता है वहाँ पर हम लोग लूज पीस पैटर्न का यूज करते हैं। फोर्थ है गेटेड पैटर्न, जहाँ मास प्रोडक्शन करना होता है। सिंपल पैटर्न होता है लेकिन मास प्रोडक्शन एक साथ बहुत सारा, तो उसमें यहाँ पर एक इस तरह का रनर लगा देते हैं और यहाँ से गेट में छोटा छोटा पैटर्न इस तरह से बहुत सारे एक साथ लगाते हैं तो एक बार में हो जाता है। फिफ्थ है मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न जो अभी हम लोग पढ़े स्प्लिट पैटर्न सेम उसी के जैसा होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स पैटर्न, स्मॉल साइज कॉम्प्लेक्स शेप, नो डबल पिन यूज। इसमें पर हम लोग जहाँ डबल पिन से इसको लॉक करते थे वहाँ पर एक मैच प्लेट रखते हैं, और मैच प्लेट से इसका अलाइनमेंट, इसका अलाइनमेंट और इसका अलाइनमेंट, इसका अलाइनमेंट हम लोग सेट करते हैं। सिक्स है स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न वहाँ यूज होता है जहाँ हम लोग 2D शेप को रोटेट करके 3D होल बनाते हैं। जैसे बेल देखे होंगे, बेल का शेप इस तरह से होता है, तो इस तरह का शेप लेके उसको 360 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो 3D में वो एक कोन का शेप ले लेता है और पूरा बेल शेप होता है, सिमेट्रिकल शेप। जैसे बेल का शेप इस एक्सिस के दोनों ओर सिमेट्रिकल है, इसलिए सिमेट्रिकल शेप, कोन, बेल, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, इसको स्वीप पैटर्न से हम लोग बनाते हैं। स्वीप पैटर्न को जब यहाँ रखेंगे तो उसके लिए कुछ सपोर्ट का ज़रूरत होगा, तो वहाँ हम लोग चेपलेट्स रखते हैं, और चेपलेट्स उसी मटेरियल का होता है जिस मटेरियल का हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं। तो इस होल में जब कास्टिंग लिक्विड मेटल आएगा तो उसके साथ ही ज्वाइन हो जाएगा। और कोर होलो हम लोग बनाने के लिए यूज करते हैं, तो जब बेल, जिसे बेल शेप बना रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग होलो इस डाल दिए तो होलो शेप बन जाएगा। सेवन्थ हम लोग देखेंगे फोलो बेड पैटर्न। फोलो बेड पैटर्न कहाँ यूज करते हैं, जहाँ स्ट्रक्चरली वीक होता है और सपोर्टेड बाय फोलो बोर्ड इसमें यूज करते हैं। देखिए जैसे इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग कास्ट करना है, तो यहाँ पर जब हम लोग रेमिंग करेंगे तो यहाँ पर ब्रेक होने का चांस रहता है, तो इसलिए इसके नीचे एक फोलो बोर्ड लगा देते हैं जो सपोर्ट का काम करता है, और यहाँ पर जब रेमिंग करेंगे तो उसका फोर्स को, इसका जर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और ये टूटेगा नहीं। इसी तरह इस शेप का है तो नीचे फोलो बेड बोर्ड इस शेप का लगा देंगे, यहाँ पर रेमिंग करेंगे तो ये टूटेगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ रेमिंग। तो मेथड ऑफ रेमिंग, रेमिंग का करने का तीन तरीका होता है, फर्स्ट जोल्टिंग, सेकंड स्क्वीजिंग एंड थर्ड सेंड स्लैंगिंग। जोल्टिंग में हाई इम्पैक्ट
अप एंड डाउन मूवमेंट, जो इस तरह से हम लोग रैमिंग करते हैं उसको जोल्टिंग बोलते हैं। स्क्वीजिंग में बोलते हैं उसको एक कंप्रेसर से कंप्रेस करते हैं प्लंजर से, तो उसको थर्ड हमारा सेंस लैंगिंग, इसमें पंप ब्लेड यूज होता है और उसके द्वारा हम लोग कंप्रेस करते हैं रेमिंग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कोर डिजाइन, कोर हम लोग कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कोर सेंट के मटेरियल के बारे में जान लेते हैं। कोर सेंट में मोल्डिंग सेंट प्लस लिंसिड ऑयल ऑर्गेनिक बाइंडर है और मोलेसेस और डेक्सट्री नीटी से ये सब मिक्स करके हम लोग कोर सेंट बनाते हैं। कोर को सपोर्ट करने के लिए हम लोग दो चीज़ यूज करते हैं, फर्स्ट है कोर प्रिंट, सेकंड चेपलेट्स। कोर प्रिंट क्या होता है कि कोर में ही हम लोग बढ़ा के एक्सट्रूशन इसमें कुछ डाल देते हैं जो कि मोल्ड बॉक्स में फिक्स हो जाता है, उसको कोर प्रिंट बोलते हैं। और चेपलेट अलग से सपोर्ट दिया जाता है। अब देखिए कोर प्रिंट कोर यहाँ पर है तो नीचे मोल्टेन मेटल जब इसमें हम लोग फील करेंगे तो उसके कारण बॉयंसी फोर्स उसके ऊपर लगेगा, तो नेट बॉयंसी फोर्स करने का हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। उसमें वेट ऑफ लिक्विड मेटल डिस्प्लेस्ड माइनस वेट ऑफ कोर, वेट ऑफ लिक्विड मेटल डिस्प्लेस्ड हम निकालेंगे डेंसिटी ऑफ मोल्टेन मेटल इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जो कास्टिंग मटेरियल है जो कोर का मटेरियल है उसका डेंसिटी इंटू वी इंटू जी, इसको कॉमन लेंगे तो रो एम माइनस रो सी इंटू वी जी। अब हम लोग कोर प्रिंट और चेपलेट के बारे में कुछ देख लेते हैं। कोर प्रिंट्स आर प्रोजेक्शन क्रिएटेड ऑन पैटर्न टू प्रोड्यूस रेसेस टू एकोमोडेट और पोजिशनिंग द कोर इनसाइड रेसेस। कोर प्रिंट्स नॉट रिक्वायर्ड इन वर्टिकल पोजिशन, जैसे ये हॉरिजेंटल होता है तो इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग कोर प्रिंट का यूज करते हैं, लेकिन अगर ये वर्टिकल होगा तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, तो इसके लिए हम लोग को कोर प्रिंट डालने का कोई आवश्यकता नहीं है। फिर चेपलेट्स आर मेटेरिक सपोर्ट टू कोर इन साइड द केविटी टू पोजिशन द कोर प्रॉपरली, अभी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में। सो भाई छोटा सा न्यूमेरिकल है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए होलो कास्टिंग इज प्रोड्यूस यूजिंग ए सिलेंड्रिकल कोर विथ एच इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 100 mm, रो एम इज इक्वल टू 2700 kg पर मीटर क्यूब, रो कोर दिया हुआ है 1600 kg पर मीटर क्यूब, नेट बॉयंसी फोर्स ऑन द कोर हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग अभी फॉर्मूला जस्ट देखे हैं, रो एम माइनस रो जी इंटू वी जी, बस फॉर्मूला में डाटा पुट करेंगे, रो एम दिया हुआ है 2700 और रो सी दिया हुआ है रो कोर 1600 और भी वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, उसके साथ जी मल्टीप्लाई करेंगे, जी हम यहाँ लिखे नहीं है सॉरी, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका 0.86 आएगा। एक बार इसका कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, हम यहाँ जी नहीं डाले हैं तो हो सकता है उसके मल्टीप्लाई करना भूल गए हों। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन सेंट कास्टिंग ऑफ होलो पार्ट ऑफ लेड ए सिलेंड्रिकल कोर ऑफ डाया 120 mm एंड हाइट 180 mm इज प्लेस्ड इनसाइड द मोल्ड केविटी, द डेंसिटीज ऑफ कोर मटेरियल एंड लेड आर 1600 kg पर मीटर क्यूब एंड 11300 kg पर मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली, द नेट फोर्स इन न्यूटन दैट टेंड्स टू लीव द कोर ड्यूरिंग पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल विल बी, ऑप्शन दिया है फर्स्ट 19.7, सेकंड 64.5, थर्ड 193.7 एंड ईट 257.6। तो पहले हम लोग वॉल्यूम उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम सिलेंडर है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच होगा, इसमें सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो वैल्यू आता है वॉल्यूम 0.002035 मीटर क्यूब। फॉर्मूला अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, रो एम माइनस रो सी इंटू वी जी, रो एम हम लोग का दिया हुआ है 11300 उसको रख दिए और रो सी दिया हुआ है 1600 kg पर मीटर क्यूब, 1600 kg पर मीटर क्यूब डाल दिए, वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जी 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर आंसर आ जाएगा 193.71 न्यूटन, ऑप्शन सी। छोटा सा टॉपिक है मोल्डिंग सेंट का कंस्टिट्यूट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उसमें सिलिका 70-85% होता है, क्ले होता है 10-20%, वाटर होता है 2-8% और एडिटिव्स होता है 1.6%, इसमें बाइंडर वगैरह होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सेंट और उसके आगे का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।